जी हाँ फ्रेंड्स, वीडियो बात करने वाले हैं इस प्रकार की वीडियो आपको कैसे बना लेनी है, मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जो आपको मटेरियल हम यूज करने वाले हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं काइन मास्टर, हम जो टेम्पलेट्स यूज कर रहे हैं वो भी, और आप जो अपने फोटो से बनाने वाले हैं तो आपको बताने वाला हूँ किस तरह बनाना है। ये सब मैं आपको डिलीट करके दिखाता हूँ, आपको शुरू से स्टार्टिंग दिखाऊंगा किस तरह हमने ये बनाए थे। ये सब मैंने डिलीट कर दिए हैं, ये आप देख लीजिए, ठीक है, मैंने सब डिलीट कर दिया। और यहाँ पर मीडिया पे जाना, और यहाँ पर अपने जो फोटो रहेंगे आपके वो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। हम कुछ फोटो आपको ऐड करके दिखाने वाले हैं, दो तीन फोटो आपको ऐड करके दिखाएंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए हम दो तीन फोटो ही ऐड करेंगे आपको दिखाने के लिए बस। तो यहाँ पर हमने ये कुछ फोटो हमने ऐड कर लेने हैं बस, एक दो तीन, ये हमने तीन फोटो ऐड कर लिए और एक आधा फोटो, चार फोटो हमने ऐड कर लिए। इस पर क्लिक करना, जो हमारा ये प्लस वाला आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इफेक्ट आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ पर इफेक्ट आपको डालने होंगे इसके अंदर आपको इफेक्ट। अगर ये इफेक्ट नहीं मिल पाते हैं तो आपको इफेक्ट ये डाउनलोड करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, उस फोटो को वो जूम कर लेना होगा, फोटो को साइज जो बढ़ा लेना होगा, ये फोटो साइज थोड़ा सा बढ़ाना है इस तरह से क्लिक करेंगे, और यहाँ पर दोनों पर क्लिक करेंगे और हाथ की उंगलियों से आपको बढ़ा लेना होगा इस तरह से, जूम जैसे करते हैं आप इस तरह से आपको करना, फुल सब फुल स्क्रीन कर लेने होंगे, तभी आपको बेहतर तरीके से आपको अच्छी तरीके से वीडियो लगेगी। हाँ, काफ़ी अच्छी वीडियो हमारी बनी है। अगर फुल स्क्रीन फोटो आ रहे हैं आपके तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, फुल स्क्रीन नहीं आ रहे तो आप वो कर लेने होंगे, ठीक है। आपको इसी तरह से सब पे करना है, ये इफेक्ट आपको डालने हैं सभी पे, हर वीडियो आपको इफेक्ट डालने पड़ेंगे इसके, जो आपको चाहिए वो पसंद आता है वो आप इसमें इफेक्ट यूज़ करें। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ बस ये वाले दो तीन इफेक्ट यूज़ करके, तो मैंने ये सेव कर देना आप यहाँ पे जाके, और यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देना है और ये वीडियो सेव होने लगेगी, और हम दूसरी वीडियो आपको दिखाएंगे बनाकर। अब ये वीडियो हमें सेव कर लेनी है, वीडियो सेव हो गई हमारी, हम इसको बैक कर देंगे। अब एक साइज़ और आपको ये वाला साइज़ जो है 9:16 का, आपको ये साइज़ का भी तीन फोटो, तीन चार फोटो आपको बनाने हैं, इसी तरह से आपको बना लेना है, पर हम इसको आपको बना के नहीं दिखा रहे, ठीक है, हम बैक कर देते हैं। अब आपको पूरी वीडियो हमारी वो ऐसी तरह से आपको बनानी है जैसे हमने बनाई थी पहले, अब फोटो सबको बनाने थे इस तरह से। अब आपको जाना है मीडिया, उसमें काइन मास्टर के मेन ऑप्शन पे, और यहाँ पर जो तीन साइज हैं, तीन साइज में आपको सेलेक्ट करना है 16:9 का साइज, और यहाँ पर साइज ओपन होने के बाद इस तरह का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो यहाँ पर जो हमने वीडियो भी बनाई थी फोटोज है वो वीडियो यहाँ पर ऐड कर लेंगे। सबसे पहले वीडियो ऐड करनी है, तो हम आपको पहली बार वीडियो ऐड कर दिखाने वाले हैं हमने, जिस पे दिखाया था आपको बनाकर, तो हमने ये ऐड कर लिया है। अब लेयर पे जाना है और यहाँ पर मीडिया पे जाना है, जो हम आपको नीचे मटेरियल टेम्पलेट का देंगे वो यहाँ पर आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास जो है मटेरियल है वो यहाँ पर है ये, तो हमने इसको ऐड कर लेना, उसको स्क्रीन में कर लेना है फुल, ठीक है, और इसको ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाकर ब्लेंडिंग कर देना है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कमेंट्स के द्वारा मुझसे आप पूछ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ये नहीं हो रहा तो हम आपको बता देंगे किस तरह आपको करना है, ठीक है। ये हो गया, अब लेयर पे जाना है और यहाँ पर एक मीडिया ऑप्शन जाना है, और इसी अब जो आपने एक दो साइज में वीडियो बनानी है, एक तो 16:9 बनानी है, एक 9:16 बनानी है, ठीक है। अब मुझे 9:16 में ले लेनी है, इसकी जो स्क्रीन है ये वाली स्क्रीन पर आप समझ जाएंगे, इसे स्क्रीन के लगाने के लिए तो थोड़ा सा वीडियो क्रॉप कर लेते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेंगे वीडियो को, उसको वीडियो को हमने जूम कर लिया और सेंड टू बैक कर देंगे। सेंड टू बैक हो गई है वीडियो हमारी, और यहाँ पर ये वीडियो ऐड हो गई है, ठीक है। अब करना क्या, लेयर पे जाना, मीडिया पे जाना, और यहाँ पर जो हमारे दिल वाले इफेक्ट फ्रेम है तो इनमें आप चाहे तो फोटो लगा सकते हैं, वीडियो भी लगा सकते हैं, तो आपको फोटो लगा कर दिखाएंगे। तो हम यहाँ पर फोटो आपको लगा कर दिखाते हैं, तो मैं ये वाला फोटो ऐड कर लेता हूँ, और इसको भी इसी में जाना है क्रॉपिंग में, और यहाँ पर क्रॉप का और ये सैप चेंज कर लेना है इसका, ये दिल वाले में, ठीक है, छोटा कर लेना है इसको इसी के साइज के हिसाब से, सेंड टू बैक कर देना है और इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है, और यहाँ पर थोड़ा सा और ये अच्छी तरह सेटिंग करेंगे आप, थोड़ा सा मैं आपको दिखाने वाला हूँ सेटिंग, थोड़ी सी हमारी ये सही तरीके से हो नहीं पाई है तो आप अपने हिसाब से कर लेंगे सेटिंग सही।
ठीक है। अब इसी को हम डुप्लीकेट करके नीचे भी कर देंगे, और आप चाहें तो और भी फोटो लगा सकते हैं, जितने आपको चाहिए होंगे उसी हिसाब से आप लगा सकते हैं, पर हम आपको सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा सा यही यूज कर रहे हैं फोटो को। ये ऐड हो गए हैं, तो हम अब लेयर पे जाना है और यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन इफेक्ट पे जाना है, और यहाँ पे सबसे नीचे जाएंगे और यहाँ पर बेसिक इफेक्ट लिखा और यहाँ पे एक ब्लर है, एक ब्लर ऑप्शन में क्लिक करेंगे और इसको फुल स्क्रीन कर देंगे, इसको भी साइज फुल कर देंगे जहाँ तक कोई वीडियो है। अब इसको सेंड टू बैक कर देना है और ये हमारी वीडियो कम्प्लीट हो गई, वीडियो हमारी बन गई। हम वीडियो प्ले करके आपको दिखाते हैं, ये अदर गाने जो हमारे चल रहे हैं इनको हम जो म्यूट कर देते हैं, ये हमने बिल्कुल बंद कर दिया। इसी तरह से आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड ये उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इसी तरह से आपको वीडियो बनानी है ये बहुत ही आसान तरीका, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये नहीं बन पा रही है, तो आपको बता दिया जाएगा किस तरह आपको ये बनाना है। एक हमारा दूसरा चैनल है KS टैगबल नाम से, उसी चैनल पर आपको टेम्पलेट्स वीडियो मिल जाती है, ग्रीन स्क्रीन वीडियो मिल जाती है, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।